हापुड़ जनपद के थाना पिलखुवा पुलिस को 15 मार्च को पिपलुहा थाने क्षेत्र में एक शव पड़ा मिला, जिसकी पहचान राजेश के रूप में की गई। राजेश हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए मृतक की पत्नी सहित 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे निशानदेही पर आला कत्ल चाकू, दाराती व मृतक का टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों को जेल भेजा। आपको बता दें कि जनपद के पिलखुआ थाना क्षेत्र में 15 मार्च को एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जिसकी पहचान राजेश पुत्र ओम प्रकाश निवासी रेवड़ी थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा तो सूचना दी गई, जिसके बाद मृतक के भाई ने थाना पिलखुआ में हत्या मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस हत्या के मामले का खुलासा करने में जुट गई। पुलिस ने मंगलवार को हत्या का खुलासा करके मृतक की पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे में आला कत्ल का एक चाकू, दराती, मृतक का टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों को पहचान कौशल दीपक व मृतक की पत्नी पूजा के रूप में हुई है। पूछताछ में कौशल ने बताया कि उसकी और पूजा की दोस्ती काफी दिनों से चल रही थी। पूजा की शादी ग्राम रेवाड़ी के रहने वाले राजेश से तय हुई तथा शादी के बाद वह पूजा से मिलता रहा। पूजा पति राजेश 3-4 साल पहले अपनी पत्नी व बच्चों के साथ पिलखुआ में रहकर मोची का काम करता था। इसी दौरान मेरी और पूजा की नजदीकियां और भी बढ़ गई। राजेश पूजा के साथ मारपीट करता था तथा पूजा अपने पति राजेश से परेशान होकर उससे शादी करने के लिए तैयार थी और मैं पूजा से शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने पूजा से मिलकर राजेश की हत्या करने की योजना बनाई, जिसके बाद 13 मार्च को योजनाबद्ध तरीके से उसने अपने दोस्त दीपक के साथ मिलकर राजेश को मयूरी रिक्शा खरीदने के बहाने पिलखुआ बुलाया, जिसके बाद उसने जटपुरा वाले रोड पर एक गेहूं के खेत में ही मेड़ पर बैठकर राजेश को अधिक बियर पिलाई। इसी दौरान हम दोनों ने मिलकर चाकू व दराती से रौंदकर राजेश की गर्दन रेत दी। मृतक राजेश का मोबाइल फोन पर पर्स इसलिए निकाल लिया और था जिससे उसकी पहचान किसी को ना हो, और राजेश का फोन तोड़कर गेहूं के खेत में फेंक दिया तथा पर्स मसूरी की नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है।